उसके बाद में नहाने गया। हाँ हाँ, तो वो खुले आंखों से ही वो ध्यान शुरू हो गया चलते फिरते ही। अच्छा, यहाँ सर। तो आपको कोई रोग थोड़ी ना है, सर को बता देते हैं ये क्या होता है। ये भी होता ही है, अच्छा ही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इससे आपके काम में बाधा पड़ेगी या लोग देखेंगे तो अजीब सा लगेगा, तो आप ध्यान करते समय गुरुदेव से ये प्रार्थना कर देना, अच्छा। गुरु जी मेरे को तो केवल ध्यान में योग करवाओ आप। अच्छा अच्छा, बस इतनी सी प्रार्थना कर दोगे ना। सर मैंने सर क्या हुआ, ये 12वें महीने की 27 तारीख से ही मेरे को गुरुदेव ने दर्शन दिए। अच्छा, क्या हुआ, मैं अफीम खा रहा था। अच्छा, और पाइल्स की भी तकलीफ है और पीछे से कमर दर्द और यूं हार्ट का धड़कन तेज हो जाती थी। तो मैंने सर ऐसे सोचा कि नेट पे सर्च कर लेता हूँ, कोई ऐसी दवाई नहीं है आयुर्वेदिक में। हाँ, तो मैंने 27 तारीख को लगभग 3:30 बजे फोन पे सर्च किया। हाँ, कि कोई आयुर्वेद में अफीम छोड़ने की अच्छी दवाई हो तो बताए। हाँ, तो वो गुरुदेव की फोटो आई ऊपर, नीचे सब डिटेल आई। अच्छा, तो मैंने वो पूरी पढ़ी। पढ़ने के बाद शाम को ध्यान में बैठा, कुछ नहीं हुआ। 28 को बैठा तो भी कुछ नहीं हुआ, 29 को बैठा तो भी कुछ नहीं, 30 को बैठा तो भी कुछ नहीं। 31 तारीख को बृहस्पतिवार था। उस दिन बहुत वो योगा वगैरह शुरू हो गए और ध्यान लग गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक सर। और 15 दिन से मैं लगभग 1.5 किलो डोडे खाता था, ये अफीम के भी आते ना डोडे। हाँ हाँ, वो 15 दिन से 0.5 किलो पे आ गए। 15 किलो से 0.5 किलो? हाँ बिल्कुल, 1.5 किलो की जगह महीने का 1.5 किलो खा रहा था, तो 15 दिन से ही 0.5 किलो पे आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कल बृहस्पतिवार है, पीछे वाले बृहस्पतिवार को बुधवार को मैं उठा शाम को। हाँ, सो गया, सुबह उठा बृहस्पतिवार को तो मेरे शरीर पे ऐसे लग रहा था कि अफीम खाया हुआ है। हाँ, तो मैंने सोचा भी आज खाते ही नहीं है, क्या होता है देखते हैं। तो मैंने खाया ही नहीं बिल्कुल। और आज तक नहीं खाया है, शरीर वैसा का वैसा, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 70 दिन में मेरा ये अफीम छूटा है, 70 दिन में सर। 70 दिन में छूट गया? हाँ सर, 70 दिन में बिल्कुल छूट गया, अब मेरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुरुदेव अपने आप ही सर वो नेट पे आए, अपने आप ये छुड़ा दिया, और पाइल्स की तकलीफ बहुत वो नॉर्मल रही है, नॉर्मल, वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ सर, अब तो मेरे को विश्वास हो गया सर। मैंने अफीम ये बीकानेर में है ना, ये अशोक त्रिवेदी, इसका कोर्स मैंने लिया था 2 साल का। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उससे दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा, और दवाई छोड़ने के बाद मैंने वापिस अफीम शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब कोई तकलीफ नहीं है, जैसे अफीम पहले लेते थे उससे भी ज्यादा शरीर अच्छा है। बहुत बढ़िया गुरु भाई, आपसे तो मिलना पड़ेगा मेरे को। हाँ बिल्कुल साहब, मिलूंगा, मैं भी मिलूंगा आपसे। आज 70 दिन में अफीम छूट गया, मैं मेरे पास रिपोर्ट है, आप देखोगे तो बोलोगे अरे आप तो इतने बीमार रहते थे। हाँ, और कोई तरह की परेशानी नहीं है, बिल्कुल एकदम सही हो गया हूँ। वास्तव में गुरुदेव तो साहब भगवान ही है। है ही है। हाँ बिल्कुल भगवान है सर, बिल्कुल भगवान है। हाँ साहब, ये तो विश्वास मेरे जितनी सर, जोधपुर में एक आयुर्वेदिक दवाई देता है राजस्थान फार्मेसी। हाँ हाँ, उसे मैंने 4 बार ट्राई कर लिया, आप ही नहीं छूटा। बीकानेर से ट्राई कर लिया, छूटा नहीं। हाँ, और अब ये बिल्कुल एक गोली भी नहीं ले रहा हूँ, गोली तो क्या बुखार जुकाम की भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, और अफीम छूट गया, उन बहुत अच्छा शरीर है, एकदम सही है। बहुत तो मैंने कल बैठे बैठे सोचा धर्मेंद्र जी सर से बात करूंगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ यो, तो आपको मेरा नंबर किसने दिया? नहीं मैंने वो फेसबुक पे लिखा था, मैं सर आपके नंबर चाहिए मुझे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ,
इसलिए नहीं वो यूट्यूब पे सर सॉरी बहुत नहीं नहीं बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा हुआ सर। अब मैं कोई 1000 आदमी को जोड़ूंगा, आप गांव जाऊंगा तो गांव में बहुत है, हमारे गांव में अफीम वाले, मैं फलोदी के पास में गांव है देड़ो, हाँ हाँ वहाँ का ही रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, आप सबको बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कल किस्मतवार है वहाँ जाऊंगा, वो पैम्पलेट वगैरह में हमारे पास में ही, मैं गोरा नाटा नौकरी करता हूँ गोरा नाटा जोधपुर में। अच्छा अच्छा, और ये गुरुदेव का जोधपुर आश्रम है ना, वो तो हमारे से 15 किलोमीटर दूर ही है। हाँ तो वहाँ चले जाओ आप। हाँ वहाँ से मैं पैम्पलेट वगैरह ये कार्ड वगैरह लेके आ जाऊंगा और गांव जाते ही प्रचार शुरू कर दूंगा। बहुत बढ़िया, और सबका अपील छोड़ा दूंगा सर, सबका अपील छोड़ा दूंगा गुरु भाई। हाँ जी सर, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो ना? बिल्कुल सर, तो मैं आपको आपका इंटरव्यू लेंगे एक। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, आप पूरी दुनिया को बताना खुल कर। हाँ यार, और भी सर मैं ये करूँगा, ये डॉक्टर चेक करते हैं ना अफीम, भाई आपके शरीर में कितना अफीम की शक्ति, मैं 15 साल से अफीम खा रहा हूँ। हाँ हाँ, वो शक्ति वो जांच भी करवाऊंगा उनको, डॉक्टर को बोलूंगा आप मेरी जांच करवा, मेरे शरीर में कितना अफीम की है मात्रा। बिल्कुल करवाना, बिल्कुल करवाना, बिल्कुल करूंगा मेरे। मैं सर एक दिन मैंने थोड़ी ट्राई कर ली थी। अच्छा, ये कोई आदमी आ गया तो क्या, मैंने बोला कि गुरुदेव ने मना तो किया नहीं है, खाते जाओ और नाम जपते जाओ। हाँ, तो मैंने एक लगभग चिना आता नहीं चिना, हाँ हाँ, इतना अफीम लिया तो मेरे को इतना ज्यादा हुआ, 2 साल के बच्चे को ज्यादा होता है ना। हाँ, उसी तरीके से पता नहीं ये दिदुरा होना है, ये उल्टी उल्टी टाइप आनी शुरू हो गई। अच्छा, तो मैंने सोचा ये देखो ये अफीम छूट गया, मेरे शरीर में 1% भी अफीम की मात्रा नहीं रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये 70 दिन में सब करामात हुई है सर, 70 दिन में। 70 दिन में आपको अफीम से मुक्त कर दिया गुरुदेव ने। बिल्कुल सर, हमारे गांव में भी अफीम वाले बहुत परेशान है बहुत। बस आप सबको बताओ सर अब। हाँ जी सर, है ना, गुरुदेव ने आपको अपना यंत्र बना लिया है। बिल्कुल सर, आप ढिंढोरा पीट करके बताओ। तो सर इसीलिए मैं आपको फोन किया, सुबह मैं ध्यान पे बैठा था, 15 मिनट ध्यान करके उठ गया, नहाने गया ना के आ रहा था तो गुरुदेव सामने खड़े, यूं अंदर चलने शुरू हो गए, खुली आंखों से ही चलने शुरू हो गए, सफेद कपड़ों में हुए, पाल गोटी मारी हुई अंदर, और वो ऑटोमेटिक मेरे को चलते चलते ही पता नहीं कैसे होना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ आके ध्यान कर लिया वापस, मैंने यो शरीर में ऐसी मेरे को महसूस हो गया, अभी हलचल शरीर में ज्यादा हो गई, तो मैं पीछे कमरे में जाके ध्यान कर लिया। कोई नुकसान नहीं है उसका, कुंडलिनी शक्ति करवाती है वो तो। बिल्कुल, तो आप होने दो, छोड़ना मत, मतलब आप कहना मत गुरुदेव। नहीं नहीं सर, नहीं सर, लास्ट सांस चलेगी तब तक यही चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सर। चलो ठीक है प्रेम जी, गुरु भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कभी और भी कोई ऐसी होगा तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जरूर करना, जरूर करना, पक्की बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ सर, ओके, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।